ये रहा बुक आपके सामने, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स सी, थ्योरी देखते हैं। चलो तो फिर हम बात करते हैं मीनिंग की, इंट्रोडक्शन मीनिंग देखते हैं एक एक एक। तो पार्टनरशिप के बारे में क्या दिया है, देखो आपका ध्यान एरो पर होना चाहिए, ठीक है। ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो पे ध्यान रखना। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इज लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल, ओके। पहली बात तो ये बताओ सर हमें, ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बच्चों? सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब ओनर। सो सिंगल ओनर वाला बिजनेस, मतलब मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे साथ कोई है नहीं, जैसे केकेसी है, केके कॉमर्स एकेडमी मेरा अकेले का है, तो आई एम सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अगर आप अकेले में बिजनेस करो तो उसके कुछ निगेटिव पॉइंट है। क्या निगेटिव पॉइंट है उसमें? फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। मैं क्लासेस रन कर रहा हूं अकेला, लाला के कितने पैसे लाऊंगा मैं घर से? 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 5 करोड़, कितने, कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है ना, क्योंकि पैसे लाने वाला मैं अकेला हूं, ओनर मैं अकेला हूं। सो देयर इज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल एक लिमिट के ऊपर नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। स्टूडेंट देखो, बींग अ पर्सन, मतलब मैं पर्सन हूं तो मेरे में कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है, लेकिन सबकी सब एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। सबके सब सर रविंद्र जडेजा नहीं होते ना। नॉर्मली कोई सिर्फ बैट्समैन होता है, कोई सिर्फ बॉलर होता है, कोई सिर्फ फील्डर होता है। सर रविंद्र जडेजा जैसे कुछ रेयर लोग होते हैं जिनके पास सबके सब स्किल्स है, ठीक है। वो कैटेगरी हम बात नहीं करते फिलहाल, लेकिन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी सिंगल पर्सन होने के बाद। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचिंग में बहुत बढ़िया हूं, लेकिन मार्केटिंग में भी शायद, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा काम अच्छा सा नहीं है, फाइनेंस में अच्छे से नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ऐसा कि सिंगल पर्सन के पास सबके सब स्किल नहीं होते, लिमिटेड स्किल्स होते हैं, कोई भी पर्सन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा समस्या है भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? इन केस अगर बिजनेस, सपोज बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है, कंटिन्यूसली बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो हम डिसीजन क्या ले लेंगे? बिजनेस बंद करना है। बिजनेस अगर बंद करना है तो बिजनेस बंद करने हम निकले तो मैंने सोचा सप्लायर का पेमेंट, सप्लायर को बोल देते बिजनेस बंद किया, पैसे भूल जाओ, चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा। तब प्रॉपर्टीज बेचने पड़ेंगे, तो बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टीज थे मैंने सब बेच दिए और लोगों का पैसा दे दिया, मतलब जितना पैसा आया वो तो दे दिया, लेकिन फिर भी पूरा लायबिलिटी पेड नहीं हुआ। लायबिलिटी मतलब क्या? कर्जा। और प्रॉपर्टी तो पता है आपको, बिजनेस की एसेट्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सपोज बिजनेस पे लोन है टोटल 10 लाख रुपए का, और बिजनेस के सब प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 6 लाख आए, 4 लाख रुपए कम पड़ रहे, ये कौन लाएगा? मेरा खुद का बिजनेस है ना, मुझे खुद, मतलब मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी खेती, मेरी ज्वेलरी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस में। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी एक लिमिटेशन है, मतलब निगेटिव पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट इज नो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में? जिस दिन मेरी विकेट गिरेगी मेरा क्लास बंद हो जाएगा। विकेट गिरेगी मतलब, अरे भाई ऊपर वाले ने बुला लिया, सपोज यम जी आ गए हमें लेने, उठा के लेकर गए, क्लासेस बंद। ऐसा थोड़ी है क्लास की कोई भी चला लेगा भाई, कोई भी कंटिन्यू कर लेगा। जिस दिन ओनर खत्म उस दिन बिजनेस खत्म, सिंपल सी बात है। इसे बोलते सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल पर्सन ओनर है, ठीक है। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये भी एक समस्या थी बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं अकेला पर्सन क्लासेस रन कर रहा हूं तो सब कुछ काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सफाई भी, शॉपिंग भी, एड देखा होगा ना आपने निर्मा का, निर्मा शुद्ध नमक, ठीक है। तो सब कुछ काम एक को ही करना पड़ रहा है। अगर एक ही पर्सन सब कुछ काम कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज हम 5 लोगों की टीम होती तो मैं क्या करता? मैं टीचिंग पे फोकस करता, एक पर्सन को बोलता भाई तू सिर्फ मार्केटिंग का काम कर, एक को बोलता भाई तू सिर्फ फाइनेंस का काम कर, एक स्टूडेंट, एक सपोज पर्सन को बोलता कि भाई तू सिर्फ स्टूडेंट का एडमिशन का प्रोसेस का काम तू देखने का, एडमिनिस्ट्रेशन तू देखने का, पेरेंट्स आए तो तू उनसे बात करने का। तो मैंने क्या कर दिया? स्पेशलाइजेशन। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब मल्टीपल लोग साथ में आ जाए और हाथ मिला ले एक दूसरे के साथ, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो ये लिमिटेशंस थे बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। सो आगे देखो, हेंस व्हेन अ बिजनेस इज टू सेट अप ऑन अ स्केल व्हिच नीड्स मोर कैपिटल एंड इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू रन इट। जब हम बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं एक लेवल के ऊपर, मतलब एक लेवल से ज्यादा की, जहां पे ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा रिस्क होगी, तो ऐसे बिजनेस जब हम करेंगे तो डेफिनेटली दो मल्टीपल पर्सन की जरूरत है। एक अकेला पर्सन क्या क्या करेगा भाई?
तो दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, तो ऑफकोर्स उनको कैपिटल शेयर करना पड़ेगा, मतलब वो मल्टीपल पर्सन साथ में आएंगे, कैपिटल शेयर करेंगे, मैनेजमेंट शेयर करेंगे, रिस्क शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो शेयर करेंगे, भाई इसे तो बोलते हैं पार्टनरशिप। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग द पर्सन इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मतलब मल्टीपल पर्सन साथ में आ गए और उन्होंने एग्री किया एक चीज पे, हम सब मिलकर कैपिटल आएंगे, प्रॉफिट हुआ तो सबका, लॉस हुआ तो सबका, ये बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो आगे, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। तो जो पर्सन है जो साथ में आ गए कलेक्टिवली और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको इंडिविजुअली एक एक पर्सन को बोलते हैं पार्टनर, और सबको मिलकर बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, फिर सिप फर्म। ठीक है ना, 10 पार्टनर है, 10 लोग साथ में आ गए, तो 10 लोगों को कलेक्टिवली नाम रहेगा फर्म और एक एक को पार्टनर। ठीक है, चलो मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या दिया है। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। जब दो टू और मोर पर्सन साथ में आ गए कमिंग टूगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस, और हाँ साथ में आके बिजनेस करना है विद अ व्यू टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्म। और ऑफकोर्स बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। ठीक है बच्चों, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, दो लोग, दो स्टूडेंट्स हैं, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने मिलकर बुक्स परचेस कर लिए स्टडी के लिए, तो पार्टनरशिप नहीं बोल सकेंगे यार उसको। मतलब साथ में आ गए, टू पर्सन साथ में आ गए और आपने कुछ परचेस भी किया, दोनों का एम भी सेम था, लेकिन आपका इंटेंशन प्रॉफिट करना और पैसे कमाना या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं था, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते टेक्निकली। ओके देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एकदम बच्चों ये डेफिनेशन लर्न करना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, मैं करवा लूंगा आपसे, डोंट वरी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन्स द पार्टनरशिप एज, आपको डेफिनेशन का पूछा गया तो पूरा स्टार्टिंग से लिखना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन्स पार्टनरशिप एज, उन्होंने दी हुई डेफिनेशन है क्या, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वैसे तो डेफिनेशन छोटी है बट कभी कभी डिफिकल्ट लग जाती है, डिफिकल्ट डेफिनेशन को इजी करने के लिए पहले तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट पार्ट, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है मल्टीपल पर्सन के अंदर बीच में। ठीक है, सो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव, वो क्या करने वाले, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जिन्होंने क्या एग्री किया है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। थर्ड पार्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या, एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए बच्चों। सबसे पहले क्या था, इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये तो समझ गया, फर्स्ट पर्सन के बीच में का रिलेशन है। दूसरा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तो इस पे से भी क्लियर समझ रहा है कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा सब मिल बांट के खाएंगे। बस ये थर्ड वाला नहीं समझा सर, थर्ड पार्ट का मीनिंग नहीं समझा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या। इसका मतलब ऐसा बच्चों कि सपोज हम 10 लोग साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जोक बताता हूं, तो आपको ये कंसेप्ट भी याद रह जाएगी। स्टूडेंट्स, हम चार दोस्त थे और हमने पार्टनरशिप में टैक्सी परचेस की। ठीक है, फिलहाल हमने सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलता है ना, लॉकडाउन हो जो भी हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का बिजनेस चलता है तो अच्छा है भाई, हम ऐसा करते हैं, चारों ने मिलकर टैक्सी परचेस कर ली। तो हम चार दोस्त ओनर थे और बिजनेस हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके एक महीना हो गया, उसके बाद एक दोस्त आया मेरा, पांचवा दोस्त, मतलब ये चारों से अलावा एक दोस्त आया, उसका फोन आया दोस्त का, क्या चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है, कोरोना के कैसे हालात है, आप फिट हो या नहीं, ऐसा वैसा, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं बोला क्या बताओ यार, बिजनेस का मत पूछ। बोला क्यों, अरे बिजनेस अच्छा चल रहा होगा ना, आपने तो, अब सबको पता है ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे दिन है फिलहाल। अरे नहीं यार मत पूछ, अब तक बोनी भी नहीं हुई, एक महीना हो गया बोनी भी नहीं हुई, मतलब सिंगल कस्टमर भी नहीं मिला। तो ही आस्क मी, ऐसा क्यों भाई, एक महीना हो गया एक कस्टमर नहीं मिला, ऐसा मतलब तूने लगा के कहाँ पर रखी टैक्सी, मतलब तूने मेन एरिया में नहीं रखी क्या, स्टैंड के पास नहीं है क्या, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या। मैंने बोला अरे नहीं यार, हार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है, रेलवे स्टेशन, ऐसे एरिया में ही मैं टैक्सी लगाता हूँ, लेकिन एक भी पैसेंजर नहीं मिला। अरे बाप रे, वो सोचने लगा ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो फिर एक दिन वो घूमते फिरते हमारे गांव में आ गए, उसने देखा टैक्सी में चार लोग बैठे थे। कौन चार लोग? हम चारों पार्टनर। हम चारों पार्टनर कंटिन्यू टैक्सी में बैठे रहते और वेट करते हैं कि पैसेंजर आएगा। पैसेंजर कहाँ से आएगा मेरे भाई, ऐसे भी कार में चार लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो पैसेंजर आएगा कहाँ से अगर चारों लोग बैठे हो तो? ठीक है, तो बोहनी भी नहीं हुई क्योंकि हम चारों के चारों कार में ही बैठे रहते हैं पैसेंजर का वेट करते हुए। तो इस पे से इट इज जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल, इतना मन पे मत लेना। तो इस पे से हमने क्या देखा कि सबके सब पार्टनर अगर एक्टिवली काम करेंगे तो मुश्किल भी हो जाएगा। चारों के चारों अगर कार में बैठेंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, चारों में से एक को ही टैक्सी चलानी पड़ेगी, तब पैसेंजर मतलब पैसेंजर मिलेंगे। तो शायद से हम ऐसा कुछ कर सकते, भाई मंडे को तू चलाना, ट्यूसडे को तू, वेनसडे तू, थर्सडे तू, फ्राइडे तू चलाना, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हमें बिजनेस एक तो मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट है वो डिवाइड करना पड़ रहा है, या फिर कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या, सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम मतलब पार्टनर में से ही कोई, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या, देखो अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने शॉप खोला है 10 पार्टनर ने मिलकर, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 10 के 10 पार्टनर शॉप में बैठे रहेंगे। कस्टमर कहां से आएगा भाई, हम ही 10 लोग हो गए घर के पार्टनर, ठीक है। तो सबके सब एक्टिवली बिजनेस में ही काम करते रहे जरूरी नहीं है। सपोज हम 10 पार्टनर है, फिर भी एक ही पर्सन सिर्फ शॉप संभालता है, बाकी हम घर पे बैठे रहते हैं, तो सर क्या इसको पार्टनरशिप बोलेंगे? यस, इट इज अ वैलिड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ऐसा कहीं पे नहीं बोला हुआ है कि सबके सब लोगों ने एक्टिवली काम करना चाहिए। सीधी सी बात है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ऑल सब भी कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, सब मिलके भी कर सकते हैं, या फिर उसमें से कोई पार्टनर, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, डिपेंड्स, वो लोग भी मिलके बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन रिवाइजिंग द डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप एक्ट। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट फॉर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डन, अगेन अ लर्न बाई